सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान रहेगा। समता दूत संघर्ष समितीचा विजय असो, समता दूत संघर्ष समितीचा विजय असो। आवाज दो समता दूत सचिन फुलझेले चंद्रपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और तेलंगाना जिला के बॉर्डर लाइन पे मेरा तालुका है गोंडपिपरी, जहाँ मैंने 11 महीने समता दूत यानी कि इक्विटी एम्बेसडर करके काम किया। समता दूत क्या है ये संकल्पना मैं सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। महाराष्ट्र शासन का जो सामाजिक न्याय और विशेष सहाय विभाग है उसके अंडर में आने वाली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था। इसके तहत 2015 और 16 में हमारे महासंचालक डीजी परिहार जी की संकल्पना से और शासन की संकल्पना से समता दूत नाम के पायलट प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। परिहार साहब ने हमसे कहा कि ये प्रोजेक्ट 5 साल चलने वाला है और 5 साल में तुम लोगों को महसूल विभाग के अंदर में समायोजन मिलेगा और अच्छी जवाबदारी पे तुमको काम करना है। हमको बताया गया कि तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। उन्होंने हमको जो गाइडलाइन दी उसके अनुसार हमारा काम था भारतीय संविधान के समता सामाजिक न्याय तत्वों का प्रचार और प्रसार करना, शाहू फुले अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय और उनके विचारों का प्रसार करना, सारे जाति धर्मों के संत महात्मा हैं उनके विचारों को प्रसार करना, ये हमारा काम था। अनुसूचित जाति जमाति प्रतिबंधक कायदा का प्रसार करना ये हमारा काम था और सामाजिक मूल्य पढ़ाना, इसके लिए प्राथमिक शाला से लेके तो सीनियर कॉलेज के लोगों तक युवकों तक हम लोग पहुँचते थे। ये सारे काम हम शालाओं में कॉलेजों में रेलवे स्टेशन में बस स्टेशन में जहाँ तहाँ लोगों का माप हमें दिखाई देता था वहाँ जाते थे और हम काम करते थे और इसके लिए हमें सिर्फ 12,800 इतना बस गिना चुना मानदंड मिलता था जिसमें से हम और हमारा परिवार अच्छे से गुजारा भी नहीं कर पाते थे। काम क्यों करते थे, क्योंकि ये अच्छा काम है, शाहू फुले अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रबोधन का काम हमें मिला है, इस आधार पर हम काम करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे 11 महीने पूरे हो गए हमें लगा कि हमें रिन्यूअल मिलने वाला है, हमें बुलाया गया, 2 दिन में ही हमें बुलाया गया। बुलाने के बाद में वहाँ पे फिर से हमारा इंटरव्यू लिया गया, वहाँ पे हमारी मुलाकात ली गई, वहाँ पे हमको हमारा अपीयरेंस देना पड़ा, हमने प्रेजेंटेशन वहाँ पे बड़े अच्छे से किया। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें लगता था कि 11 महीने के बाद में अब रिन्यूअल आने वाला है, लेकिन हमारा विदाउट कंसेंट लिए सामाजिक न्याय विभाग की बार्टी ने महासंचालक साहब ने हमें आउटसोर्सिंग का नाम आगे देकर हमारे मनुष्य बल को ब्रिस्क नाम की कंपनी को दिया। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो ब्रिस्क कंपनी सिक्योरिटी गार्ड पुराती है, जो ब्रिक्स कंपनी हाउस कीपिंग के काम करती है, वो कंपनी अगर शाहू फुले अम्बेडकर के प्रचार का कंत्राट लेती है तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। हमने जब देखा जॉइनिंग फार्म उन्होंने हमारे कुछ समता दूतों के नाम में भेज दिया तो वहाँ पे लिखा है वहाँ के अट्टी शर्ती, वहाँ पे उन्होंने पहले ही 11 महीने के वाउचर पे साइन ले ली, वहाँ पे उन्होंने हमारी पहले से ही रिजाइन पे साइन ले ली। तो ऐसे कंपनी में जिसपे हमने अप्लीकेशन ही नहीं किया हम काम क्यों करें। हमारी मांग यह है कि उस कंपनी को हमारा मनुष्य बल ना दिया जाए, हमारे समता दूतों को रिन्यूअल बार्टी के अंदर मिलना चाहिए और पूरे के पूरे 650 समता दूतों को रिन्यूअल देकर शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाने का काम किया जाना है। हम कल से अनशन पे है मैडम, आमरण उपोषण पे है, लेकिन अभी तक कोई भी मंत्री या कोई भी बड़े आदमी ने यहाँ आकर विजिट नहीं किया है। सामाजिक न्याय विभाग के बड़ोले साहब नहीं आए, कांबड़े साहब नहीं आए, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो कल हम जेल भरो आंदोलन करने की तैयारी के साथ यहाँ बैठे हैं। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि 8 तारीख को यहीं से हमारा महामोर्चा प्रारंभ होगा जो विधान भवन तक जाएगा। मुझे बताइए कि आप कल से आमरण उपोषण पर बैठे हैं, अगर आपकी ये मांगे अगर पूर्ण नहीं होती तो आने वाले दिनों में क्योंकि आप उपोषण पर बैठे तो क्या करने वाली है? देखिए, जब तक के हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब राजकुमार बड़ोले साहब जिनके तरफ ये विषय है और जो इनको न्याय दे सकते हैं हमें, तो वो हमें आकर अगर मिले या हमसे बात करे, हमारी मांगे जो है वो सुन ले और उसमें अगर हमें पॉजिटिव निर्णय वो देते हैं तो हम उपोषण यहाँ पे समाप्त करेंगे, अगर नहीं देते हैं तो जेल भरो आंदोलन भी हम कर रहे हैं, उसकी भी हमने तैयारी की है।
मेरा नाम अनीता योगेंद्र कोलते, मैं वर्धा जिला में प्रकल्प अधिकारी करके थी। तो जब हम पे ये जब सब समता दूत और प्रकल्प अधिकारियों पे जब अन्याय हुआ, हमें ना बता हुए या इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह जो भी उनको करने थी वो करने के बाद भी हमें नियुक्त नहीं किया, और उनके मर्जी में जो लोग थे उनको उन्होंने इनडायरेक्टली पोस्टिंग दे दी। तो हमारे ऊपर जो हमने जो काम किया है एक्सपीरियंस होल्डर जब हमें, तो हमारे ऊपर तो अन्याय हुआ है ना सबके ऊपर। तो हम यही चाहते कि जो भी आज हम लोग कार्यरत थे उनको सबको नियुक्ति दी जाए। जितने भी महाराष्ट्र के बच्चे थे 650 और जो पदाधिकारी थे, उन्होंने जो भी ये पैनल से गए हैं और जो उनको सबको रिन्यूअल ऑर्डर दी जाए, और वो भी बार्टी के अंतर्गत, ना ही किसी ब्रिक्स या प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत, क्योंकि हम जो विचार पेर रहे हैं वो समाज के विमुख है। प्राइवेट कंपनी एक जो हाउसकीपिंग करती है या सिक्योरिटी गार्ड पुराती है, वो हम काम नहीं कर सकते, और वो ना ही समाज में ये विचार पहुंचा सकती है जो आज अपने समाज को महत्वपूर्ण है। तो भी उसमें कम से कम 650 बच्चे तो रहने ही वाले, ऑल महाराष्ट्र का अभी भी ट्रैवलिंग में सब लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ये सब समता दूत रहने वाले। तो विधान भवन पर जो मोर्चा जाने वाला है, तो आप किसे निवेदन देने वाले हैं? मुख्यमंत्री साहब को, हमारा मुख्यमंत्री साहब राजकुमार बडोल साहब, जिनके तरफ ये हमारा सामाजिक न्याय विभाग आता है, हमारा प्रकल्प जो है उनके अंतर्गत आता है, और एक दिलीप कांबळे साहब, इनके इसमें हम ये मांग रखेंगे।